नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। भारतीय जनता पार्टी राजनीति पे राजनीति किए जा रही है। राहुल गांधी जी न्याय यात्रा कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस पर भी राजनीति करेगी। राम मंदिर का मुद्दा सोशल मीडिया पर वायरल रहता है। राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शुभ हाथों से होना है। लेकिन मुद्दा यह है कि जो न्याय यात्रा है वो भी चालू होने वाली है और प्राण प्रतिष्ठा भी जल्द ही होने वाला है। रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, ऐसे नारे लगते हैं। एक नारा आपने भी सुना होगा जो सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल रहता है और लोग यही गाना जानबूझ के बजाते भी हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। मेरा उनसे एक ही सवाल है, मैं राम में आस्था रखता हूं, राम में आप भी आस्था रखते होंगे, सभी लोग रखते हैं। अब आपको प्रूफ करना है आप कितना आस्था रखते हैं। ना आप कर पाएंगे, ना हम कर पाएंगे, ना नरेंद्र मोदी जी कर पाएंगे। अब जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, उस गाने पर मेरा एक ही जवाब है कि नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या, महेश चौकसी को कहीं ले पाते हैं। दूसरा एक गाना कहते हैं कि राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है गाने से, लेकिन ये लोकतंत्र का देश है, यहाँ पे लोक चिंता, यहाँ पे राज तिलक नहीं होता है। हाँ, भगवान के समय पे राज तिलक होता था, लेकिन आज के समय में भारतीय जनता पार्टी चुनावी राजनीति करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मेरा उनसे यही सवाल है कि आप बताइए कि ये प्राण प्रतिष्ठा पे मैं फिर सवाल नहीं करूंगा, महंगाई पर भारतीय जनता पार्टी कब बोलेगी? बेरोजगारी जो वास्तविक मुद्दा है उस पर सरकार कब बोलेगी? जो स्वाभाविक, जो मानसिक और सामाजिक दृष्टि से जो जो विकास हमें चाहिए उन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी कब बोलेगी? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग दिया करिए। लेकिन जो न्याय यात्रा चालू करने हैं ना राहुल गांधी जी, उससे भारतीय जनता पार्टी को बौखलाहट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि न्याय यात्रा हो, सामाजिक यात्रा हो, आर्थिक यात्रा हो। भारतीय जनता पार्टी तो तीर्थ यात्रा करवा रही, तीर्थ अपने पैसों का आप लोग कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी से शिक्षा मांगिए, अस्पताल मांगिए, स्वास्थ्य मतलब फैसिलिटी मांगिए, जो आपके बच्चों के आपको है का अधिकार भी बात करने की बात करें। आप लोगों से मैं फिर आग्रह करता हूं, आप लोगों से निवेदन भी करता हूं कि आप लोग वोट डालते हैं बहुत अच्छी बात है, आप लोग मतगणना में जाते हैं वोट डालते हैं और अच्छी बात है, लेकिन नेता उसे चुनिए जो पढ़ा लिखा हो। इतना ही सुनते ही ना भारतीय जनता पार्टी फिर मिला जाती है। कारण क्या है इसका? कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता पढ़ा लिखा नहीं है। जो नेता पढ़ा लिखा होगा वो नेता चाहेगा कि देश का शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो। जो किसानों की बात करने वाला नेता होगा वो समझेगा कि किसानों के हित की बात हो। जो और चीजों में विकास रखेगा वो चाहेगा कि देश में सब कुछ बेहतर हो। लेकिन आज की सरकार जो है वो क्या कर रही है दुनिया को मालूम है। मिर्जा गालिब का वही शायरी में फिर बोलूंगा कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने का ख्याल अच्छा है। धूल चेहरे पर थी, आईना पूछता रहा। तो आप लोगों को जानना होगा, समझना होगा, वोट डालने से पहले आपको सारे वादे याद करना होगा। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, नारा याद है आपको। बहुत हुआ पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार भाजपा सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार। ये सारा नारा आपको याद होना चाहिए। बटन तब दबाओ जब आप अवैसी बटन दबाओ कि जिन्होंने ये नारा दिया था ना उनके कान में भी ये आवाज उसी तरह गूंजने लगे। इस पूरी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया भी दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करना ना भूलें। शुक्रिया।